आय से अधिक संपत्ति मामले में झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और मांडर विधायक बंधु त्रिकी को तगड़ा झटका लगा है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने त्रिकी को दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट का फैसला आने के बाद त्रिकी बंधु ने कहा कि मुझे कोर्ट पर भरोसा है, जो फैसला देना था दे दिया गया, मैं अपने वकील से बात करूंगा। सीबीआई की कोर्ट ने बंधु त्रिकी को साल 2005 से 2009 के दौरान झारखंड के मंत्री के रूप में 6,28,698 रुपए जमा करने के मामले में दोषी पाया है। कोर्ट ने त्रिकी को 3 साल की सजा के साथ ही 3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर उन्हें 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सीबीआई की विशेष अदालत में कांग्रेस विधायक बंधु त्रिकी के वकील ने इस मामले में काफी कम राशि होने का हवाला देते हुए 1 साल या उससे कम सजा देने का आग्रह किया था। हालांकि सीबीआई के अधिवक्ता ने इसे भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला बताते हुए अधिक से अधिक सजा देने की अपील की। सीबीआई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों के बाद फैसला सुनाते हुए त्रिकी को 3 साल जेल और 3 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट में मामला आने के बाद 11 अगस्त 2010 को सीबीआई ने कांग्रेस नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। 16 जनवरी 2019 को कांग्रेस नेता बंधु त्रिकी पर कोर्ट में आरोप गठित हुआ था। आज कोर्ट ने उन्हें 3 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट के इस फैसले के बाद उनकी विधायकी की जाना लगभग तय माना जा रहा है। दरअसल विधायक बंधु त्रिकी को 2 साल से अधिक की सजा मिलने के कारण उनकी विधानसभा सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। हालांकि अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई है, इस कारण उन्हें जमानत मिल जाने की उम्मीद है और जमानत देने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। बंधु त्रिकी के अधिवक्ता की ओर से इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कही गई है। हालांकि 2 साल से अधिक की सजा होने के बाद अब वो 8 से 9 साल चुनाव नहीं लड़ पाए, ऐसे में उनके राजनीतिक कैरियर पर भी संकट खड़ा हो गया है।